राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के सैकड़ों किसानों ने फसल बीमा की मांग को लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे, जहां खरीफ सीजन 2017 के फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जल्द भुगतान की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले के डोंगरगढ़ डोंगरगांव विकास खंड के सैकड़ों किसान आज फसल बीमा की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। खरीफ सीजन 2017 में फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। इसमें डोंगरगांव विकास खंड के 21 ग्राम पंचायत सूचीबद्ध है, जिसमें दीवान झेटिया, सिंगारपुर, मेड़ा सहित और अन्य कई गांव शामिल हैं। इसी तरह डोंगरगढ़ विकास खंड के पनिया जोग, खरकटोला, चिद्धो सहित माटेकटा गांव भी शामिल है। इन गांव में अभी तक किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे नाराज होकर किसान आज जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं किसानों के साथ भाजपा नेता और महापौर मधुसूदन यादव किसानों के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे और किसानों की समस्या बताई। प्रधानमंत्री फसल बीमा के भुगतान से वंचित किसानों का मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का था। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन किए, धरना और ज्ञापन सौंपा, गांव-गांव में बैठक लेकर भाजपा सरकार को कोसा, लेकिन अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही वंचित किसानों का मुद्दा भाजपा के पाले में आ गया है। वहीं छूटे हुए किसान परेशान हैं। पूरे मामले पर कलेक्टर का कहना है कि लगभग 21 ग्राम पंचायत के छूटे हुए किसान यहां आए थे, जिन्हें फसल बीमा नहीं मिला है। पूरे प्रकरण की जाँच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही गयी है। लगभग 21 ग्राम पंचायत के जो कृषक हैं आज मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, उनका मुख्य विषय था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ जो अभी बीता है उसमें फसल कटाई प्रयोग पत्रक 2 के आधार पर पुनः दावा गणना कर भुगतान करने के लिए जो है उन्होंने मेरे पास आवेदन किया है। क्योंकि पुराना प्रकरण है और उस समय या जो दावे की पुनः गणना के संबंध में यदि कोई त्रुटि है या कोई विषय अगर छूट गया है तो उस संबंध में उसका पुनः जो है मैं एक बार परीक्षण करवाऊंगा और उसके बाद ही इस प्रकरण में जो है अपन अग्रिम कार्रवाई कर पाएंगे। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24।